गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राकेश कुमार राजपूत। इसके पहले मैंने सफलता के तीन सूत्र बताए थे। एक था उसमें से प्रोडक्ट क्यों यूज़ करना है, दूसरा मैंने बताया था कि आपको लिस्ट कैसे बनाना है, तीसरा बताया था कि हमको मीटिंग्स में क्यों आना है। आज जो है मैं आपको एक और बहुत इम्पॉर्टेंट सक्सेस का सूत्र बताने वाला हूँ, और जिसका नाम है कि लोगों को इन्वाइट कैसे किया जाता है, मीटिंग्स में कैसे लोगों को बुलाया जाता है, आमंत्रण कैसे किया जाता है। आज मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूं, और आज का जो सेशन में जो आपको बताऊंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए लास्ट तक आपको बने रहना है तो आप इसका पूरा फायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपने एक चीज देखा होगा कि कोई भी मूवी जब आती है तो आने से पहले हमको टीवी में, मोबाइल में उसका थोड़ा थोड़ा सा हमको ट्रेलर दिखाया जाता है, और वो जो ट्रेलर बना जाता है वो किस तरीके से बनाया जाता है, वो जो 3 घंटे की जो फिल्म होती है ना, उसको 1 मिनट में इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि हम उस ट्रेलर को देख के हम 3 घंटे पैसे खर्च करके मूवी तक और टॉकीज तक चले जाते हैं। उस मूवी को देखने के लिए टॉकीज तक जाते हैं, पैसे खर्च भी करते हैं, और वो सब किस लिए करते हैं, क्योंकि उस पिक्चर आने से पहले उन लोगों ने एक ऐसा 1 मिनट में ट्रेलर दिया था हमको टीवी में और मोबाइल में कि हम उस फिल्म को देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इसी चीज को बोलते हैं इनवाइट करना, इसी चीज को बोलते हैं आमंत्रण करना। सेम यही चीज नेटवर्क इंडस्ट्री में भी काम करता है कि यहां भी जो मीटिंग्स होते हैं, यहां पर आप अपने लोगों को किस तरीके से बुलाते हैं, आप कुछ भी तरीके से बुलाते हैं कि सही तरीके से बुलाते हैं, आपका भी तरीका उसी तरीके से होने चाहिए जिस तरीके से ये फिल्मी कलाकार अपने पिक्चर की ट्रेलर देते हैं। उसी तरीके से आपको भी अपने उस निमंत्रण मीटिंग्स में जिसको भी लाना है, जिसको भी बुलाना है, तो उसी तरीके से आपको डिजाइन करना पड़ेगा। आप कुछ भी बोल के किसी को यदि इन्वाइट करेंगे तो वो आपकी मीटिंग्स में कभी भी सीरियस नहीं होगा, न वो कभी आएगा। आप लोग जो टीवी देखते हैं तो टीवी में आप हमेशा देखते होंगे कि टीवी में एक ऐड आता है, उस ऐड को 30 सेकंड का रहता है, उस 30 सेकंड को ऐड को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि हम उस ऐड को देखने के बाद उस प्रोडक्ट को लेने के लिए दुकान तक चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो इनवाइट जो करने का जो तरीका है ये हर क्षेत्र में है, ये ऐसा नहीं है कि आप नेटवर्क इंडस्ट्री में हैं इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही है। आप फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं तो फिल्म इंडस्ट्री में भी देखते हैं कि फिल्म हीरो लोग किस तरीके से अपने पिक्चरों को प्रमोशन करते हैं, वो भी तो इन्वाइट कर रहे हैं अपने लोगों को अपने पिक्चरों तक लाने के लिए। आप टीवी में जो ऐड देखते हैं वो भी वही बता रहा है, वो अपने प्रोडक्ट के लिए आपको, अपने प्रोडक्ट तक के लिए आपको दुकान में बुला रहा है। तो सेम यही चीज आपके लिए भी काम करता है, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री जो है वो एक बिजनेस है, तो जहां पे बिजनेस का नाम आता है वहां पे इनवाइट कंपलसरी हो जाता है। आप ये मत समझिएगा कि नेटवर्क इंडस्ट्री में ही इनवाइट किया जाता है, ये हर इंडस्ट्री में होगा जहां पे बिजनेस होता है, जिसका मैंने आपको उदाहरण दिया है। तो यहां पर जब आप नेटवर्क इंडस्ट्री में आते हैं तो लोगों को इनवाइट करते हैं, तो कुछ मैं ट्रिक्स दूंगा आपको कि किस तरीके से इनवाइट किया जाता है। अब यहां पर आपके पास 2 तरीके के लोग होंगे, एक बंदा वो होगा जो कि आपके बिजनेस में ज्वाइन है लेकिन फिर भी वो मीटिंग्स में नहीं आता है, और दूसरा बंदा वो है जो कि आपके बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं जानता और उसको आपको मीटिंग्स में बुलाने हैं। तो ये दोनों बंदों को बुलाने के तरीके अलग अलग होंगे, आप दोनों को एक तरीके से नहीं बुला सकते। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में आप लगातार बने रहिए। आज मैं सारी प्रॉब्लम्स जो आपको आते हैं मैं आज उसको ख़त्म करने वाला हूँ, लेकिन इस वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो व्यक्ति जो कि आपके साथ ज्वाइन है आपके नेटवर्क इंडस्ट्री में, वो आपके साथ ज्वाइन होने के बावजूद भी वो आपके मीटिंग्स में नहीं आ रहा है, तो उसको किस तरीके से इनवाइट करें। तो एकदम सिंपल तरीका है, और कभी भी याद रखिए जो इनवाइट वाला जो तरीका होता है उसमें आपको लंबा कुछ भी नहीं खींचना है, वो जितना शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, किंतु वो इफेक्टिव होना चाहिए। यदि आप इनवाइट करने के तरीके को ज़्यादा लंबा खींच देंगे तो आप तो ये हो गया कि आप पिक्चर ही यहीं पर दिखा दिए, यहाँ पे पिक्चर नहीं दिखाना है, यहाँ पे आपको ट्रेलर दिखाना है। तो जो बंदा आपके साथ ज्वाइन है उसको किस तरीके से इनवाइट करें,
आप उसके साथ बैठे हैं, आपने उसको प्लान दिया है, आप उनके साथ जरूर ये बात शेयर किए होंगे कि हम इस बिजनेस में इसलिए आ रहे हैं कि हम अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। ये नेटवर्क इंडस्ट्री में आप सभी लोग बात किए रहते हैं। तो जो बंदा आपके साथ ज्वाइन है उसको एक सिंपल से बात बोलिए, एकदम साधारण सा बात बोलना है कि आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं कि नहीं, एक सिंपल सा सवाल करिए। तो वो आपको बिल्कुल बोलेगा यस मैं अपने सपने को पूरा करना चाहता हूं। पर क्या आप अपने सपने को पूरा करने के लिए, यदि आप वो सपने को कैसे पूरा किया जाता है वही नहीं सीखेंगे तो वो सपने को कैसे पूरा करेंगे। तो इसीलिए यहां पे मीटिंग्स रखा गया है। अब आप जो बोर रहे हैं, क्या आप वाकई में अपने सपने के साथ, आपका वो जो सपना है क्या वाकई में आप उसे सच करने के लिए रेडी हैं कि नहीं, ये मुझे पता चल जाता है। अगर आप मीटिंग्स में आते हैं तो मैं ये जान चुका रहता हूं कि वाकई में आप अपने सपनों को सच करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन यदि आप मीटिंग्स में नहीं आते हैं, इसका मतलब है कि हम उधारी का सपने पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए आप उनको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से सपनों के ऊपर से बात करके उनको मीटिंग में इन्वाइट करिए। जिस बंदे को आपने ज्वाइन कराया है और जो बंदा फ्रेशर है, जैसे कोई यूथ है और वो फ्रेशर है, उसको बुलाना है तो एकदम सिंपल सा तरीका उसके लिए, आप उसको साधारण से एक बात पूछ सकते हैं कि हम जो ये पढ़ाई कर रहे हैं वो स्वाभाविक बात है, सब बोलेंगे मैं तो जॉब के लिए कर रहा हूं। तो उसको बोलना जॉब से क्या मिलेगा, तो बोलेगा जॉब से हमको पैसे मिलेंगे। तो सिर्फ एक चीज उसको पूछना। आप देखिए, जीवन में पैसे दो तरीके से बना सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं उन बंदों को लाने के लिए जो आपके साथ बिजनेस में ज्वाइन नहीं है, जो आपके बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं जानते, उसको यदि आपको अचानक मीटिंग्स में बुलाना है तो उसका तरीका क्या है। जैसे यूथ लोग हैं, यदि किसी यूथ को बुलाना है और आप उसके फ्रेंड हैं तो आप उसको किस तरीके से इनवाइट कर सकते हैं अपने इस बिजनेस के लिए, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बताने के लिए। तो उससे एक सिंपल तरीके से आप बात कर लीजिए, उस बातों से ही आपका इनवाइट, उसको किस तरीके से इनवाइट करना वो चीज़ें भी साथ में हो जाएगी। मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ आज, वो चीज़ें ये रहेगी कि आप अपने दोस्त से सिंपल सी एक सवाल कर सकते हैं और वो सवाल ही करना है, क्योंकि किसी को भी कहीं भी बुलाना हो तो याद रखना वो सवाल से ही चालू होता है। आप उसे सिंपल से सवाल कर सकते हैं कि हम लोग जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं वो पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। पैसे कमाने के दो तरीके हैं, उसमें से मैं आपको एक तरीका बताता हूँ और दूसरा तरीका वो इन्वाइट हो जाएगा, वो क्या है वो सुनिए। सबसे पहले उसको पूछिए कि आप जो हैं ये जो पढ़ाई कर रहे हैं, उससे जब पूछेंगे इस पढ़ाई क्यों कर रहे हैं तो बोलेगा मैं जॉब के लिए पढ़ाई कर रहा हूं, मैं जॉब करना चाहता हूं। तो आप उसको किस तरीके से बोलिए उसको ध्यान से सुनिए। आप बोलेंगे हम पढ़ाई सिर्फ दो चीजों के लिए करते हैं। पहला चीज ये है जो आप अभी बोले, आप अपने लिए मालिक ढूंढ रहे हैं ताकि मैं पैसा कमा सकूं, और मैं आपको उस जगह पे ले जाना चाहता हूं जहां पे आप खुद मालिक बन सकते हैं। तो पैसे कमाने के दो ही तरीके हैं, या तो आप मालिक बन जाइए या तो फिर मालिक ढूंढ लीजिए। ये तरीका था कि जो आपके साथ बिजनेस में उसको किस तरीके से इनवाइट करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि उस व्यक्ति को, कोई बच्चा जैसे कॉलेज में पढ़ रहा है, अगर उसको आपको इस बिजनेस में इनवाइट करना है तो उसको किस तरीके से बुलाएं। तो आप उनसे सिंपल सा एक क्वेश्चन करिए और क्वेश्चन के बाद आप उसको आसानी से इनवाइट कर सकते हैं। और उनको एक क्वेश्चन करिए कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, इस पढ़ाई करने के बाद आप क्या करने वाले हैं। तो वो सिंपल सी बात है, 90% से 95% लोग एक ही चीज़ बोलते हैं कि मैं जो हूँ जॉब करना चाहता हूँ। तो आप उसको एक चीज़ बोलिए, जॉब करना चाहते हैं मतलब आपको पहले मालिक ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद वो मालिक आपको जॉब देगा। तो वहीं पर आपको अपना सवाल रखना है कि दोस्त ये पैसे बनाने के सिर्फ दो तरीके हैं, या तो आप अपने लिए मालिक ढूंढ लो या तो आप खुद मालिक बन जाओ, और मैं जो हूँ आज आपको उस जगह पे ले जाने वाला हूँ जो आपको खुद मालिक बना देगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप मालिक बनना चाहते हैं कि मालिक ढूंढना चाहते हैं। तो वो बंदा जरूर बोलेगा कि मैं मालिक बनना चाहता हूँ। तो यदि आप मालिक बनना चाहते हो तो आज ऐसे ही एक प्रोग्राम हो रहा है जिसमें लोग ये सीखने आ रहे हैं कि हम मालिक कैसे बन सकते हैं। तो ये प्रोग्राम इस दिन है, आप जरूर आइए, आप यहाँ से ये जरूर जान के जाएंगे कि आप मालिक कैसे बन सकते हैं। और दुनिया उसको याद करती है जो मालिक बनते हैं, न कि जो मालिक ढूंढते हैं। इस तरीके से आप उसको इन्वाइट कर सकते हैं जो कि यूथ हैं उन लोगों को। अब कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो कि जॉब में करता है और उसको आपने बिजनेस में ज्वाइन नहीं कराया है, तो आप उसको कैसे फोन में इनवाइट कर सकते हैं अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए।
वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ। उसमें आपको बहुत ही इफेक्टिव तरीके से आपको उनसे बात करनी पड़ेगी और बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से आपको बात करनी पड़ेगी, तब आप उसको इनवाइट कर सकते हैं। उसके लिए एक सिंपल सा सवाल है जो आप उनसे बात करेंगे, तो आप उनको एक सिंपल सा चीज़ पूछिए। ठीक है, यहाँ पे सवाल ही करना रहता है, किसी को बिजनेस में बुलाने के लिए ना रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता, उनसे सही तरीके से सवाल करना पड़ता है। आप उनसे एक सिंपल सा सवाल करिए कि आप इस दिन क्या कर रहे हैं, तो वो स्वाभाविक है जो भी अपना टाइम बताएगा कि उस दिन मैं फ्री। अब आपको ये पता चला कि उस दिन वो फ्री है, तो फिर आप उससे किस तरीके से बात कर सकते हैं। आप उसको एक चीज बोल सकते हैं, आप जॉब कर रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं आप पैसों के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो बोलेगा यस मैं बिल्कुल पैसे के लिए मेहनत कर रहा हूँ। फिर आप उसको बोल सकते हैं इसका मतलब यही है कि आप पैसों के लिए काम कर रहे हैं, तो वो भी बोलेगा यस बिल्कुल मैं पैसों के लिए काम कर रहा हूँ। तो आप वहाँ पर उनको एक ही सवाल करिए, क्या आप ये जानना चाहेंगे कि पैसा आपके लिए कैसे काम करेगा, ये आप उनसे सवाल करिए। देखिए बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में बोलना है, आपको यही सवाल करना है, क्या आप ये जानना चाहते हैं कि पैसे आपके लिए कैसे काम करेगा, क्योंकि जितने अमीर हैं वो पैसे को काम पे लगा देते हैं और जितने आम लोग हैं वो लोग पैसों के लिए काम पे लग जाते हैं। तो इसलिए पैसे को हम काम पे कैसे लगा सकते हैं, इसके लिए एक ऐसे शख्स आए हुए हैं जो ये चीज़ बता रहे हैं और उन्होंने ये प्रूफ भी करके दिखाया कि पैसे हमारे लिए कैसे काम करते हैं। तो इस दिन उसके लिए मीटिंग्स हैं, इस दिन आप आइए और ये चीज़ को समझिए कि पैसे हमारे लिए कैसे काम करते हैं। और जिस दिन पैसे हमारे लिए काम करते हैं उस दिन हम टोटल आर्थिक रूप से आज़ाद हो जाते हैं। इस तरीके से आप किसी भी जॉब वाले को अपने इस मीटिंग के लिए इन्वाइट कर सकते हैं। अब ये जानते हैं कि कोई जो बिजनेसमैन है उसको किस तरीके से इन्वाइट किया जाए, तो उसके लिए एकदम सिंपल सा तरीका है कि आप उससे फिर एक सवाल करिए, आप उनसे बात करिए और जो कि आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ भी नहीं है उसको सिंपल तरीके से आप एक बात करिए कि वो बिजनेसमैन के माइंड में क्या चल रहा होगा। हर बिजनेसमैन के माइंड में एक ही चीज़ चलता रहता है कि मैं अपने बिजनेस को दुनिया में कैसे फैलाऊं, हर बिजनेसमैन का यही माइंड रहता है। तो आपको क्या करना है, जब आप उसको कॉल करेंगे तो उसको सिंपल से तरीके से पहले बात कर लीजिए, बात करने के बाद उससे एक ही सवाल करिए कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं क्या आप अपने बिजनेस को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं, क्योंकि हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि मैं अपने बिजनेस को पूरी दुनिया में फैलाऊं। और आपने उसके दिल की बात बोल दी, आपने ये पूछ लिया उससे क्या आप इस अपने बिजनेस को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल जवाब देगा हाँ मैं फैलाना चाहता हूँ। तो उसको बोलिए कि इसी चीज़ की एक मीटिंग्स लगी हुई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने बिजनेस को कैसे पूरी दुनिया में फैला सकता है। तो आप बिल्कुल यह इस मीटिंग पाइए और ये सीखिए कि बिजनेस को दुनिया में कैसे फैलाया जाता है। इस तरीके से किसी बिजनेसमैन को आप इन्वाइट करिए। तो मैंने आपको ये तरीके बता दिए, कोई यदि यूथ है तो उसको कैसे बुलाना है, कोई जॉब कर रहा है तो उसको कैसे बुलाना है, और यदि कोई बिजनेसमैन है तो इसको कैसे इनवाइट किया जाता है। तो ये है सारे इनवाइट करने के तरीके। आपको एक चीज समझना है, इनवाइट करने के तरीके में आपको शॉर्ट एंड स्वीट लेकिन इफेक्टिव शब्दों का इस्तेमाल करके ही इनवाइट में बुलाया जाता है। इस तरीके से आप उनको इनवाइट करिए और हमेशा याद रखिए, जैसे एक थ्रिलर पिक्चर होती है ना जिसमें कि सस्पेंस होता है, आपकी बातें भी सस्पेंस वाली होनी चाहिए, तब जाके वो अपने सस्पेंस को क्लियर करने के लिए वहां तक पहुंचेगा। इस तरीके से दोस्तों किसी को भी इनवाइट किया जाता है। और जो मेरा ये वीडियो देख रहा है और यकीनन जो इसको अप्लाई करेगा उनको बहुत ज़्यादा रिजल्ट आएगा। मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसको अप्लाई करिए और अप्लाई करके मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको इससे क्या रिजल्ट्स आए। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।